आर्टिस्ट बनूंगा या गाना गाऊंगा या एक ऐसे सेक्टर में जाऊंगा, और हम कहते हैं नहीं साइंस पढ़ मैथ्स पढ़, उसमें अब उसके ऊपर इतना लोड होता है, तो हम उसको उठा के वो स्कूल में ले जा रहे हैं जो स्पेशली आर्ट मतलब विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट का है। तो 9वीं से 12वीं में पहला अपने आप में प्रयोग है जी, क्योंकि आमतौर पर प्रेशर रहता है भाई सब्जेक्ट पढ़ो मेन जो है और उसके साथ साथ अपना आर्टिस्ट वाला काम करते रहो। तो हमने स्पेशली स्कूल बना दिए कि जिसमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है उसको उठा के वहाँ ले जाते हैं। इनफैक्ट सर इसमें सभी जो स्कूल्स हैं करिकुलम पूरी तरीके से रिवाइज किया जा रहा है, रोट लर्निंग से हम क्रिएटिव बेस्ड लर्निंग की तरफ, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की तरफ मूव कर रहे हैं। वी हैव पार्टनर्ड विद टाटा टिस, IIT दिल्ली, NIFT, ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, बिग बिग इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल म्यूजिक इंस्टीट्यूट्स, सो दे आर कमिंग आउट रियली वेल। They are affiliated with Delhi Board of School Education, जो एक नया बोर्ड दिल्ली ने स्टार्ट किया है। ये सर हमारे जो पांच पिलर्स हैं जिस पे हमारा दिल्ली का एजुकेशन मॉडल खड़ा हुआ है और जो पिछले 6 सालों के अंदर बहुत काम हुआ है। फर्स्ट इज क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। पिछले 6 सालों में 20,000 से ज़्यादा कमरे बनाए गए हैं और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा किया गया है। इंश्योर किया गया है कि ये जैसे आप अभी जिस रूम में हैं, दिस इज़ अ प्रिंसिपल्स रूम, सो यू कैन सी हाउ यू नो क्लासेस का वो देख सकते हैं, ओपन विंडोज रखी गई हैं, पूरा एरी रखा गया है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट ओनली इन प्रिंसिपल रूम बट इन क्लासरूम्स आल्सो, लैब्स आल्सो, दिस कुड आल्सो हैव अ स्विमिंग पूल। सो काफ़ी ज़्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया है। स्कूल का कम्युनिटी लिंकेज पे बहुत वर्क किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स में देखा गया जो बच्चे आते हैं वो हर स्ट्राटा से आते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी था कि पेरेंट्स को मोटिवेट करा जाए क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं। तो SMCs को बहुत स्ट्रॉन्ग करा गया, मेगा PTMs कराए गए गवर्नमेंट द्वारा, और पेरेंट्स अब इतने ज़्यादा जागरूक हो गए हैं कि हर पेरेंट्स स्कूल के अंदर आके अपने बच्चे की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, घर जब बच्चा पहुंचता है तो उससे पूछते हैं बेटा आज स्कूल के अंदर क्या पढ़ाया गया। सो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द ओवरऑल एजुकेशन इन सोसाइटी। हाई क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया गया टीचर्स और HOS को। आज भी हमारे एक HOS का बैच कैम्ब्रिज गया हुआ है UK के अंदर, वी हैव टाइड अप विद IIM अहमदाबाद, NIE सिंगापुर। इसके अलावा हमारे क्लस्टर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मल्टीपल ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं, सो दैट टीचर्स हमारे वैसे भी मोटिवेटेड रहे। इसमें SCRT बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रजनीश जी यहाँ बैठे हैं, SCRT एंड करिकुलम रिफॉर्म्स की जो बात करें, ये एक नई चीज़ हमारे स्कूलों के अंदर हो रही है। हम नए नए सब्जेक्ट्स, स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के तहत नए नए सब्जेक्ट्स ला रहे हैं जो न्यू एज के हिसाब से ज़रूरी है। जैसे नॉर्मल कॉम्बिनेशन मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री होता है साइंस में, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम नए सब्जेक्ट लाएं जैसे वेब डेवलपमेंट डिज़ाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। इसके लिए हम IIT दिल्ली से टाई अप किया हुआ है। सिमिलरली परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स के प्रॉपर सब्जेक्ट्स 11th और 12th के अंदर लाए जा रहे हैं, सो दैट जो बच्चा उसके अंदर इंटरेस्ट रखता है, ही नीड नॉट स्टडी पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज और दो सब्जेक्ट्स, ही कैन चूज म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट। So all those curriculum reforms are happening. Now I would request Nandini Maharaj to take up from here and discuss about happiness. Good morning, sir. Good morning, everyone. Happiness उत्सव के दिन मैं आपको happiness curriculum के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। हमारे तीन mindset curriculum हैं। एक है हमारा entrepreneurship mindset curriculum, जिसमें हम बच्चों को encourage करते हैं to build their own business ideas, टू बिकम जॉब गिवर रादर देन जॉब सीकर। एक है हमारा देशभक्ति करिकुलम एंड लास्टली वी हैव द हैप्पीनेस करिकुलम विच इज अबाउट एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू बिकम वन विद देमसेल्व्स, टू सेंटर देयर थॉट्स। तो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू शो यू अ शॉर्ट वीडियो ऑन इट सर। मुक्ति को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी घर में, मुक्ति गुस्से में रहती थी हमेशा। मुक्ति ऐसा बच्चा थी जो क्लास से बाहर रहने के बहाने ही घूमती रहती थी और आउटस्पोकन भी थी, सबके साथ क्लास में भी लड़ाई झगड़ा करना ये सब भी करती थी। बस उसके बेस्ट फ्रेंड्स के साथ ही रहती थी और मैं क्लास से बाहर रहती थी और मैं
मुक्ति को भी आपको हॉस्टल डाल दिया जाएगा क्योंकि आप सीरियस नहीं है स्टडी को लेकर। एक साल पहले जब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत हुई थी तो सबसे बड़ा सवाल हमसे यही पूछा जा रहा था कि क्या स्कूलों में क्लास में खड़े होकर हैप्पीनेस को पढ़ाया जा सकता है। आज एक साल बाद जब हम 8-3 साल पहले बनाया था तो मैं बड़े डर के साथ कह सकता हूँ कि हैप्पीनेस को पढ़ाया जा सकता है और अपने स्कूलों में हैप्पीनेस को पढ़ा है। Going up to peer pressure and depression, sir. So, just
बच्चों को अवेयर करवा सकते हैं कि ये कंडीशन होती है, आपके साथ हो सकती है, और दीज आर द वेज यू कैन सीक हेल्प फॉर इट. यू कैन देयर इज अ स्कूल काउंसलर, यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स, समटाइम्स यू मे नीड अ डॉक्टर. तो वो पूरा एटलीस्ट इनिशिएट करवाना चाहते हैं बच्चों को इन दैट इनर अवेयरनेस दैट अलॉन्ग विद योर फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट. एंड एवरी चाइल्ड इज एनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट. सर अब हम लोग क्या करते हैं कि माइंडफुलनेस की प्रतिक्रिया के बाद हम बच्चों को इनकरेज करते हैं कि कल जो हमने माइंडफुलनेस में पढ़ा उसके बारे में आपको क्या क्या लगा. उसके आगे हम बच्चों को एक देखो पूछो समझो की एक्सरसाइज होती है जिसमें जो भी हमने एक दिन डिस्कस किया होता है वो बच्चे घर जाके पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं एंड नेक्स्ट डे दे कम रिफ्लेक्टिव. सो दिस इज द ब्रॉड पेडागॉजी ऑफ माइंडफुलनेस करिकुलम एंड हैप्पीनेस करिकुलम सर. एंड अनिल जी हैज लेड दैट एंटायर करिकुला एंड डिजाइन दैट करिकुला. सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम एंड दैट्स ऑल फ्रॉम ये कुछ क्लासेस में चलेंगे और उसके बाद फिर एक ट्यूटोरियल. सो बेसिकली हम लोग हैप्पीनेस उत्सव मना रहे हैं और इसका जुलाई में 18 में लॉन्च किया था. तो हर साल हम कोशिश करते हैं कि लोगों को सबको तो याद आ जाए बड़ा काम है, बड़ी जिम्मेदारी है हैप्पीनेस फैलाना. तो जुलाई में एक हैप्पीनेस उत्सव मनाते हैं हमारे सारे स्कूलों में, जैसे इस पर भी अभी आज से शुरू हो रहा है जी, आपके इस प्रोग्राम से फिर ये शुरू हो जाएगा और ये 15 दिन तक चलेगा. इसमें बच्चे हमारे माइंडफुलनेस करेंगे. तो अभी हमने उनको काम दिया है कि भाई आप माइंडफुलनेस करते हो स्कूल में तो घर पे आसपास 5 लोगों को माइंडफुलनेस सिखाओ और करो उनके साथ बैठ के. तो हैप्पीनेस उत्सव में हैप्पीनेस फैलाना है, तो हैप्पीनेस फैलाने के लिए वो बैठ के उनके साथ मेडिटेशन करेंगे, फिर उन क्या हुआ कैसे हुआ आके क्लास में चर्चा करेंगे. वैसे ही कुछ स्टोरीज हैं जैसे उबंटू या और बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो भी बच्चे सीख के यहाँ से सीखेंगे. और फिर हर बच्चा अपने बाहर घर पे या प्लस में 5-5 लोगों से वो इंटरेक्ट करेगा वो स्टोरी पे, फिर आके रिफ्लेक्शन देगा कि मैंने अपनी मम्मी को या दोस्त को या रिश्तेदार को सुनाई ये कहानी, उन्होंने मुझको ये कहा, दैट्स इट. वो आके उससे क्या हर एक बच्चे को हम ये इंकरेज कर रहे हैं. तो क्लास के भी ये यूजुअल हैप्पीनेस में इंस्ट्रक्शंस हैं कि मान लीजिए 20 चैप्टर की टीचर्स नोटबुक है तो हमारा टीचर को कहना है कि आप भले ही पूरे साल में 5 कराएं लेकिन 5 डीपली करा दें, डोंट रश. एक भी चैप्टर पढ़ाया जब तक हर बच्चा उस पर कोई रिफ्लेक्शन ना दे दे, 40वें बच्चे तक भी रिफ्लेक्शन लाना आपको इंश्योर करना है. सबको पता होना चाहिए जब तक 40वां बच्चा इस पर अपना कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर लेगा तब तक चैप्टर 2 शुरू नहीं हो सकता. ये हमने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं. चलें वर्मा साहब कहें आतिशी सौरभ जी सर. किधर चलेंगे क्लास? गुड मॉर्निंग. बैठिए. कैसी चल रही है हैप्पीनेस की क्लास? अच्छी. अच्छी चल रही है, आप तो वैसे ही अच्छे हो. आप लोग कौन सी क्लास में हैं? क्या करते हैं हैप्पीनेस में? सर को बताओ सर हमारे गेस्ट हैं. क्या करते हो? क्या होती है माइंडफुलनेस? और कौन बताएगा माइंडफुलनेस क्या होता है? लाउड जोर से बोलो. मन फ्रेश हो जाता है.
आप भी हाथ उठा, आपने हाथ उठाया हुआ था, आप बोलो, हाँ बोलो। माइंडफुलनेस क्या होता है सर, ये पूछ रहे हैं। मन अच्छा हो जाता है, क्या करते हैं माइंडफुलनेस में, क्या करते हैं माइंडफुलनेस में, चलो कुछ दिनों ने नहीं बोला था, आप बोलो। हाँ दिमाग को शांत करते हैं, तो दिमाग शांत नहीं है लगता है। आप कुछ बोल रहे थे और किसने हाथ उठाया था, करते क्या है आप माइंडफुलनेस, होती क्या है माइंडफुलनेस, चलो लास्ट आप पीछे वाले बताओ क्या करते हैं माइंडफुलनेस में, जोर से बोला। हाँ हाँ अच्छा बेटा, ध्यान को सांसों में लगाते हैं। अच्छा 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 गुड। माइंडफुलनेस के अलावा और क्या होता है हैप्पीनेस में, माइंडफुल स्लीपिंग, फिर तो ऐसे सीइंग, अच्छा 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 तो कुछ कहानी कुछ एक्टिविटी और भी होती है माइंडफुलनेस के अलावा हैप्पीनेस की क्लास में, क्या करते हो, ये तो माइंडफुलनेस में हो गया बेटा। अच्छा गुड, कहानी भी सुनाती है मैम, स्टोरी भी सुनाती है, वो नहीं बता रहे हो आप, स्टोरी तो वैसे ही घर ले जाते हो बिना बताए। कौन सी स्टोरी सुनी, भालू की कुश्ती है, कुर्सी कुर्सी कुल्फी कुर्सी, भालू की कुर्सी की भालू की कुल्फी कुल्फी, चलो थैंक यू बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, दिमाग शांत रहना है ना। टारगेट ये है कि 8 क्लास तक निकलते निकलते अगर बच्चा हमारे बिना मेडिटेशन में घुस जाए जी, अभी तक तो 8 क्लास तक हम उसको नर्सरी से 8 तक उसको इतना अभ्यास हो जाए कि जैसे बोलना खाना नहाना वैसे ही मेडिटेशन उसकी ज़िंदगी का हिस्सा, जी 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 8 तक हो जाएगा, मतलब 10 का पीरियड है नर्सरी से लेकर 8 तक, जी जी रोज़ वो माइंडफुलनेस करेगा, रोज़ और कराएगा तो सिस्टम का पार्ट हो जाएगा, कंडीशनिंग हो जाएगी। शांत हो जाता है जिस दिन दिमाग को शांति मिलती है, मुझे क्या लगता है अगर उन्हें स्ट्रेस है या नहीं है, ये उसूल ही जब जा रहा है ना अंदर कि माइंडफुलनेस से स्ट्रेस रिलीफ होगा, तो जब होने लगेगा तो अपने आप पता लगेगा कि माइंडफुलनेस से ही होगा, दवाई पहले मिल गई है बीमारी से पहले। सर वेलकम टू आवर हैप्पीनेस क्लास, सर क्या मैं आपको ये लगा सकता हूँ। हाँ बेटा आप आओ, आ जाओ। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू आवर हैप्पीनेस क्लास। सर आप बैठिए, हम आपको अपना प्रेजेंटेशन देंगे। ओहो प्रेजेंटेशन दोगे, आइए बिठा रहे हैं बच्चे। अच्छा बैठे हैं, हाँ कहाँ बैठे हैं बताओ, हम तो सोच रहे थे आगे बैठ जाएं। आइए थैंक यू।
बैठो, आप भी बैठो बेटा। थैंक यू सर। बिल्कुल। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हैं। करते हैं माइंडफुल चेकिंग। सभी बच्चे आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी कमर सीधी कर लीजिए। अपने हाथ अपने घुटने या अपने डेस्क पर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। अगर किसी विद्यार्थी को आंखें बंद करने में कोई परेशानी या असहज महसूस हो रहा है तो वो नीचे भी देख सकता है। अब आप सभी अपना ध्यान अपने सांसों की ओर लेकर जाएं। ध्यान दें कब आपकी सांस अंदर आ रही है और कब बाहर जा रही है। अपने सांसों को बदलने का प्रयास ना करें। चलने की भी आ रही थी सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपने ध्यान के दौरान कौन कौन सी आवाज़ें सुनी। मैंने पंखे की आवाज़ सुनी, आपकी बात करने की आवाज़ सुनी, दूर से कोई बात कर रहा था उसकी आवाज़ सुनी। थैंक यू सर। सर क्या मैं आपसे भी जान सकता हूँ कि आपने ध्यान के दौरान कौन कौन सी आवाज़ें सुनी? मुझे भी पंखे की आवाज़ आ रही थी, आपकी बात करने की आ रही थी और इधर से कोई एक कंटिन्यूस आवाज़ आ रही थी, शायद कुछ जैसे लगातार बात कर रहा है या गा रहा है। थैंक यू सर। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न यह है कि कौन सी आवाज दूर से आ रही है? और भी बात आ रही है कि मैं भी बोल रही हूँ। मैम मैं आपसे भी जान सकती हूँ
आवाज़ आ रही थी पास से और बीच में जो कैमरे क्लिक होने की भी आवाज़ आ रही थी। ध्यान नहीं लगा पाए इनके माइंडफुलनेस में कमी है। मन शांत होता है। इधर उधर की जो बातें घूम रही होती हैं थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं। थैंक यू सर। क्या मैं आपसे भी जान सकता हूँ कि इस गतिविधि को करने से हमें क्या लाभ होगा? जी, इस गतिविधि को करने से हमें बहुत बड़ा लाभ है। हमारा ध्यान हमेशा भटकता रहता है, पढ़ाई करते तो यहाँ वहाँ घूमता है, आप अगर कोई मूवी देख रहे हो उसमें भी यहाँ वहाँ घूमता है, किसी से बातचीत कर रहे हैं उसमें भी यहाँ वहाँ घूमता है, खाते समय एक चीज करने से हम अपने मन को आदत डाल रहे हैं। जब आदत लग जाएगी ना वापस आने की, तो चाहे हम पढ़ रहे हो, चाहे हम मूवी देख रहे हो, चाहे हम खा रहे हो, किसी की बातचीत कर रहे हो, तो फिर से मन आ जाएगा और हमारा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन जो भी कर रहे हैं उसमें। थैंक यू सर। थैंक यू। हैप्पीनेस डायरी बनाते हैं लोग। आप सभी अपने हैप्पीनेस डायरी निकालें और इसमें ये प्रश्न लिखें। चले आगे चले। थैंक यू, वंडरफुल। आप तो बहुत शानदार। नंदनी आप कहाँ गई? नंदनी आपको तो हैप्पीनेस का कोऑर्डिनेटर मिल गया है। उम्र भी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। वेरी स्मॉल एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू एंड इट्स आवर प्रिविलेज यू आर अटेंडिंग आवर क्लास। थैंक यू सो मच। क्या शुभ नाम है आपका? प्रिंस। यू आर किंग।